हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे खस्ता पराठे, जो कि मैं आपको लेयर्ड वाले बनाना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो कि हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं, बस उसे हम कैसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया है और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा चम्मच के करीब। थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे, ये मैंने एक टेबल स्पून लिया है घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल पराठे और आटे के लिए बनाते हैं, रोटी और पराठे के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। तो ये मैंने नॉर्मल चक्की का ही आटा लिया है। हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है, इसे करीब हम 10 मिनट रेस्ट पे रख देंगे, जिससे ये और भी थोड़ा सा इसके अंदर लोच आ जाता है, बहुत अच्छा फिर रोटी और पराठे बनकर आते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, तो हम इसकी लोई बना लेते हैं। आपको जितना बड़ा पेड़ा रखना है या जितना मोटा पराठा आप चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम इसमें आप लोई बना सकते हैं। तो सूखे आटे की मदद से हम इतनी बड़ी लोई बना लेते हैं, जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा पेड़ा रखेंगे, बड़ी लोई रखेंगे। तो सिंपल हम एक पेड़ा लेंगे और इसको पहले हम जैसे हम सिंपल रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बना लेते हैं। ये हमने सिंपल रोटी की तरह इसको बना लिया है। अब हम इसमें घी लगाएंगे अच्छे से। जैसे हम नॉर्मल चौकोरा पराठा आप देखते हैं इस तरीके से बनाते हैं, बस इसमें घी का यूज़ ज़्यादा होना है, क्योंकि हमने घी इसमें आटा गूंदने में भी डाला है और घी हमें यहाँ पे भी ज़्यादा लगाना है, जिससे ये एकदम खस्ता बनकर आएगा और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। इसी तरीके से हम इसको एक बार और बेलते हैं। इसको हम एक बार और बेलेंगे। कोशिश करेंगे इसी शेप में बेलें जिसमें कि हमने इसको पराठा बनाया है। यहाँ बेलने के बाद हम इसमें एक बार घी और लगाएंगे। सेम बिल्कुल वही उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले हमने इसको करा था। तो हमने इसको दो बार इस तरीके से बेला है पराठे को,
दो बार बेलने के बाद आप देख रहे हैं घी भी इसमें बहुत लग गया है और लेयर भी इसमें अच्छी बन गई है। तो हम इसको नॉर्मल उसी तरीके से इसको दोबारा बेलेंगे। पराठा हमने बेल लिया है, अब हम इसे सेकते हैं। एक साइड से हम इसे सिकने देते हैं पहले थोड़ा, फिर पलटेंगे, गैस को कम कर देंगे। पराठा हमें कम आंच पर ही इसको सेकना है, वरना ये अंदर से कच्चा भी रह सकता है। तो हम इसे दोनों साइड से घी लगाएंगे इसमें और इसको थोड़ा कम गैस उस पर फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छे पराठे बनकर आते हैं। हल्की गैस पे इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप चाहते हैं कि क्रिस्पी बनकर आए तो हल्का सा इसको इस तरीके से दबा के आप सेक सकते हैं। आप देख रहे हैं ये बहुत ही खस्ता बन रहे हैं, आप इसकी लेयर भी देख सकते हैं, आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आप देखेंगे। तो बहुत ही आसान और लेयर वाला और खस्ता पराठा बनकर हमारा रेडी हो रहा है। तो हमें इसे बहुत ही आराम से इसको थोड़ा सा धीमे आंच पे सेकना है बस। और आप इसको सब्जी के साथ, दाल के साथ, इवन आप चाय के साथ भी इसको खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगता है। ये खस्ता पराठे बनकर एकदम रेडी हैं, तो आप इसको इंजॉय करिए सब्जी के साथ या दाल के साथ या चाय के साथ। तो इसमें लेयर की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एकदम खुद ही खुलते चले जाते हैं। तो इसको बस हल्का सा इस तरीके से आप कर लीजिए तो और भी ज़्यादा इसमें जो लेयर्स होती हैं वो खुद ही खुल जाती हैं। तो इसको इंजॉय करिए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं जिससे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।